Realme ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme C65 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ Realme का लेटेस्ट में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन Realme का Narzo 70X 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Realme के C65 5G को 12,499 रुपए की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाली वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 70X 5G को 12,999 रुपए की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो Realme की C65 5G का प्राइस 500 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो बेटर हो जाता है Realme के Narzo 70X 5G से, क्योंकि एक तरफ Realme के C65 में MediaTek का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 70X 5G में MediaTek का Dimensity 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतु स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के C65 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है 4,33,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 70X 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है 4,04,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे, तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Realme के C65 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2,700 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 70X 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2,300 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा बेटर हो जाता है Realme का C65 5G, उसी तरह डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में बेटर हो जाता है Realme का Narzo 70X 5G। 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस 5 इंच वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के C65 में 6.67 इंच की सिर्फ HD प्लस 5 इंच वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, तो एक तरफ Realme के C65 5G के बैक में सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 70X 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 MP का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन को जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है उसमें तो इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। वही दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए, तो एक तरफ Realme के C65 5G में भी 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 70X 5G में भी 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए, तो बैटरी तो दोनों स्मार्टफोन एक जैसी देखने को मिल जाती है, पर चार्जिंग स्पीड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Realme के C65 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, सिर्फ 15 W की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 70X 5G में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, पर 45 W के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करीजिए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग स्मार्टफोन से गेमिंग एवरेज करते हो, एक अच्छी डिस्प्ले के साथ साथ एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग के साथ कम से कम प्राइस में, तो आप लोगों को Realme के Narzo 70X 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग स्मार्टफोन से गेमिंग थोड़ी ज़्यादा करते हो, डिस्प्ले की क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर सकते हो, चार्जिंग स्पीड से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को Realme के C65 5G की तरफ जाना चाहिए।